शिव जी का मंदिर है। अच्छा शिव जी का मंदिर है। अच्छा 500 मीटर आगे। आप नए हो यहाँ पे? मैं तो 5 मिनट के रास्ते पे। दूसरा गेट कौन सा है भैया? क्या हुआ, क्या कर रहे हो भैया? बता रहे थे ना आप। हाँ बता तो इधर ही रही हूँ। शिव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर इधर। आप क्या कर रहे हो भैया? क्या हुआ, क्या कर रहे हो? मतलब आप हमारे ऊपर शक कर रहे हो? बात शक की नहीं है, बात ये है आप टच हो रहे हैं। जी भैया जी। अच्छा अभी आना है? तो हमको तो कुछ पता नहीं है, आप ला कर यहाँ छोड़ दिए पार्क में, कुछ मालूम है नहीं किधर से आऊँ मैं। हाँ 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 पूछ लूँ किसी से। अच्छा ठीक है पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। एक हेल्प करोगे? बताइए। थोड़ा ये बात करना भैया हमको कहाँ बुला रहे हैं। हेलो। हाँ जी भैया। अच्छा अच्छा वो, हाँ जी हाँ ठीक है मैं बताती हूँ। हाँ जी मंदिर के पास। हाँ जी ठीक है ओके ओके। ये जो रास्ता है ये आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है। अच्छा इधर से जाना है? हाँ लेफ्ट जाने के बाद। अच्छा लेफ्ट जाने के बाद आप स्ट्रेट हो जाना। अच्छा मतलब कितना आगे जाना? ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट की दूरी पे ही है ये। अच्छा इस साइड में। क्या कर रहे हो भैया? क्या हुआ? पता पूछ रहे हो या क्या कर रहे हो? आप ही बता रहे हो ना, मैं तो पूछा ही सिर्फ आपसे किधर से जाना है। आप खुद बात किए हो ना, वो बताए। मैं बता तो रही हूँ ठीक है, बट आप मतलब आपका हैंड मेरे को टच हो रहा है, आप सही से बैठो। मेरा हैंड कैसे टच हो? मैं इधर, मेरा दोनों हैंड है। मैं भैया भी बोल रहे हैं मैं टच करूँगा, आप ऐसा हो सकता है? ट्रस्ट करो हमारे ऊपर। चलो ठीक है भैया। हाँ मैं ये कह रही थी सीधा जाना है आपको, सीधा जाने के बाद लेफ्ट। अच्छा इस साइड से जाना है? हाँ जी। हाँ जी लेफ्ट जाना है। कितना आगे होगा मंदिर? 5 मिनट आगे ही है। किस चीज, कौन से भगवान का मंदिर है? मतलब शिव जी का मंदिर है। अच्छा शिव जी का मंदिर है। अच्छा 500 मीटर आगे। आप नए हो यहाँ पे? मैं तो नया हूँ भैया, यहीं पे छोड़ कर गए थे। अब वो बुला रहे हैं हमको, कुछ पता ही नहीं है किधर से जाना है किधर से नहीं जाना। बट आप सही से बैठिए, आप ऐसे मत करिए। आपको कोई दिक्कत हो रहा है क्या? जी नहीं दिक्कत तो नहीं है, बट जो भी मतलब आप ऐसे टच कर रहे हो तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मतलब इधर से ही बता रहे थे ना आप? हाँ बता तो इधर ही रही हूँ। शिव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर इधर। आप क्या कर रहे हो भैया? क्या हुआ, क्या कर रहे हो? मतलब आप हमारे ऊपर शक कर रहे हो? बात शक की नहीं है, बात ये है आप टच हो रहे हैं। हाँ इधर साइड है शिव जी का मंदिर। हाँ जी हाँ। कितना मतलब 500 मीटर आगे? हाँ लगभग 500 मीटर आगे ही होगा। तो मतलब कैसे पता चलेगा वहाँ, किसी से हम पूछ सकते हैं ना? हाँ आप आगे जब जाएंगे ना। हाँ, हाँ। तो आगे जाने के बाद, वो आगे जाने के बाद, आगे जाने के बाद जब आप आगे जाओगे तो आप किसी का फोन आया, आप बात कर लो। शिव जी का मंदिर बता रहे थे। हाँ जी आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना। अच्छा। तो आप किसी से ही पूछ लेना, सिंपली आप पूछोगे तो बता देगा मतलब ना। हाँ आप किसी से ही पूछ लेना, वो आपको बता देगा। ठीक है शिव जी का मंदिर किधर है? आप 5 मिनट तक, ज्यादा दूर नहीं है 5 मिनट तक। तो मतलब वो भैया उसी गेट पे खड़े हैं ना? हाँ एक बार पूछ लो ना, आप बात कर रहे थे ना, पूछो लाइन पे होंगे। अच्छा कट गया? हाँ जी कट गया, आप कॉल कर दो दोबारा। नहीं आप ही बता दो ना। तो हाँ तो इधर से आप बता रहे थे ना। हाँ, इधर से आगे जाके 5 मिनट के रास्ते पे। दूसरा गेट कौन सा है भैया? क्या हुआ, क्या कर रहे हो भैया? मतलब हम पे ट्रस्ट नहीं है? बात ट्रस्ट की नहीं है, बात ये है कि चलो छोड़ो, मैं तो टच किया नहीं हूँ लेकिन आप खामा खामा हमारे ऊपर शक कर रहे हो। तो इधर एक नंबर गेट है ना? हाँ एक नंबर। शिव जी का मंदिर। हाँ जी। दूसरा गेट भी तो है इधर साइड? हाँ वो इस साइड है, आप सीधा जाओगे यहाँ पे। अच्छा तो पास पड़ेगा? हाँ दूसरा गेट। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, वरना आप यहाँ से मंदिर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। पास कौन सा पड़ेगा, मतलब ये वाला? ये वाला। भैया क्या कर रहे हो? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा है? तो मतलब जब पास ये है तो फिर आप हमको यूं 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 क्यों घुमा रहे हैं, ये बता। अब भैया आपने दो रास्ते पूछे ना, तो एक इधर से है एक इधर से है। तो मतलब पास यही पड़ेगा ना? हाँ जी पास तो इधर वाला ही है। तो इधर से हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। कितना कितना दूर मतलब पड़ेगा, एक बार बता दो, कन्फर्म बता दो। यहाँ 2 से 3 मिनट का रास्ता है इधर से, और इधर से? इधर से 5-6 मिनट लग जाएंगे। 5-6 मिनट? तो पास तो यही पड़ेगा। तो फिर आप इधर से क्यों हमको भेज रहे थे, इधर से ही भेज देते? क्योंकि आपने इधर का पूछा तो मैंने इधर का बता दिया। मतलब गलत कहाँ बताया भैया, मैं बता रही हूँ ना, आपने इधर का पूछा तो मैंने इधर का बता दिया। मतलब भैया हमारे इधर वाले गेट्स,
आप कर क्या रहे हो? पहले आप अपना हाथ आगे रखिए। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या सारा प्रॉब्लम हमारे हाथ में ही है। बात ये है कि जो भैया मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, आप ऐसा ना चलो अब हाथ आगे है ना। हाँ जी, आप बताओ इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे? इधर से, इधर से। हाँ इधर से चले जाइए। आपको क्या कर रहे हो आप? आपको समझ नहीं आ रहा क्या मैं कितनी बार कह रही हूँ? मतलब हमारे पास चार हाथ तो है नहीं, दो ही हाथ है आपके पास। एक मैं फोन पकड़ रखा हूँ, एक आपके सामने है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। आप खुद सोचो ना, एक से फोन पकड़ रखा हूँ, दूसरा आपके सामने। बता रही हूँ और आप मेरे साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। चलो आपके सामने है दोनों हाथ, यकीन है? मुझे नहीं पता। मतलब यकीन है? अगर हमारे टच कर रहा है। मैं टच नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा? देखो आपके सामने हाथ, सामने हाथ है। हाँ है। अगर लग रहा है कि मैं टच कर रहा हूँ, जूता से मारो हमको। जो भी है भैया प्लीज सही से बैठे। आप हमारे विश्वास तो आपको रास्ता जानना है, आप रास्ता जानिए। ऐसे बदतमीजी मत करिए। एक बार प्लीज हमको एक बार बता दो, हेल्प कर दो। हां जी बिल्कुल। तो मैं यही कह रही थी आपको यहां से नहीं जाना, यहां से दूर। भैया आप क्या कर रहे हो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं आपसे कह रही हूं जब मेरे से बदतमीजी मत करो, आप शर्म करो, इतने बड़े हो आप, मेरे को बदतमीजी कर रहे हो। हद हो गई भैया, पकड़ो फोन पकड़ो, मुझे नहीं बताना आपको कोई रास्ता वास्ता। मतलब नाराज हो गए? तो आप ऐसी हरकतें करोगे तो मैं नाराज ही होंगी ना। मैं एकदम सही कह रहा हूँ, भगवान कसम करो मैं टच नहीं किया, विश्वास करो ना। कौन कर रहा है? आप ही तो बैठे हो यहाँ। भैया भी कह रहे हो और हमारे ऊपर ब्लेम भी लगा रहे। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हो रहा है, अभी तो कह रही हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने टच नहीं किया। तो फिर कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता कौन टच कर रहा है अब, या हो रहा है कोई टच कर रहा है भी नहीं कर रहा है, ऐसे ही हमारे ऊपर ब्लेम भी तो नहीं लगा रहे। ठीक है ओके, आप मुझे आपको कोई रास्ता। चलो अब एक बार प्लीज मेरे लिए एक बार बता दो, आप इधर से पास पड़ेगा कि इधर से पास पड़ेगा? कंफर्म? चलो मैं इधर से पास पड़ेगा। इधर से पड़ेगा? हाँ जी। इधर से हम जा सकते हैं दो नंबर गेट से? बिल्कुल। और इधर से? इधर से दूर पड़ेगा आपको रास्ता। इधर से दूर पड़ेगा तो हम मतलब क्या कर रहे हो भैया? हद हो गई बिल्कुल ही, मैं कितनी बार कह रही हूँ आपको। मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा है? नहीं बताना है तो मत बताओ, कोई बात नहीं हम जा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है? मत बताओ रास्ता, लेकिन ऐसे हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ कि हमने टच किया। भैया टच कर रहे हो मेरे को बार बार। मैं आपको क्यों टच करूंगा? देखो मेरे साथ बदतमीजी मत करो, मेरी फैमिली वालों ने देख लिया ना तो फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। मैं सही बता रहा हूँ, आपको टच नहीं किया। आपको गुस्सा आ रहा है ना? आपको गुस्सा आ रहा है ना? तो गुस्सा आ रहा है तो उसको मारो, देखो सामने खड़ी है, देखो मारो, उसी ने टच किया है, मारो उसको। अब हंस रहे हो आप, नहीं मार रहे हो आप, उसको मारो ना अब। वही प्रैंक कर रही है, देखो सामने कैमरा लगा रखी है। सॉरी मुझे बता, इसने बोला कि भैया आप बातों में फंसाओ, मैं उसको टच करूंगा, क्योंकि तुम सैड मूड में बैठी थी ना यहाँ पे, पता ना घर से झगड़ा करके आई थी क्या? हाँ आप ऐसे बैठे हुए थे इसलिए मैंने सोचा एक प्रैंक ही कर लूँ आप पर। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मूड पहले से डिस्टर्ब था और फिर एकदम से आप ऐसे रास्ता पूछ रहे हो और कोई टच कर रहे तो ऑफ कोर्स अजीब तो लगेगा। अब ठीक हो गया ना मूड? हंसते रहना एकदम, कभी मायूस नहीं बैठना। अब परमिशन तुम्हारी हो तो मैं वीडियो डाल सकता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा आप ब्लॉगर हो? हाँ हम ब्लॉगर। बिल्कुल डालिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, लगाना है तो लगाओ इसको कान पे, एक लगाओ बढ़िया।